हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 4 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तारीख रहेगा 4, 9 और 23 के लिए, ठीक है। तो देखिए, 4 तारीख के लिए गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज जो मैं आप लोगों को 4 तारीख के लिए लाइन दिखाऊंगा, लाइन भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर 4 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए, 4 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले, गेम देखने से पहले, थोड़ा सा ये जो वीक गया है, ये जो हफ्ता गया है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे पता है 2 तारीख को लेके आप में से बहुत लोग मुझसे नाराज़ हो गए होंगे, उदास हो गए होंगे, लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, ये वीक ख़त्म होने वाला है, इस वीक को जाने दीजिए, जो चला गया उसको जाने दीजिए। लेकिन नेक्स्ट वीक से, अगले वीक से मैं आप लोगों को मंडे से, मतलब कि 4 तारीख से जोड़ी भी दिखाऊंगा, जोड़ी भी दूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, वैसे ही मैं आज से आप लोगों को जोड़ी देना भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। OTC के साथ साथ मैं आप लोगों को जोड़ी गेम भी दिखाऊँगा आज से। अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को OTC भी दिखाऊंगा, जोड़ी भी दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था वैसे ही करूंगा। तो इसीलिए आप लोग, जो ये वीक गया है, अभी देखिए, इस वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो हफ्ता गया है, ये जो वीक गया है, इसको अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, अच्छा नहीं गया ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस वीक में हमें 3 दिन गेम पास देखने को मिला है, 3 दिन गेम पास नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसको ठीक भी बोल सकते हैं, ठीक ठाक बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा हम नहीं बोलेंगे। अगर 6 दिन में अगर लगातार रेगुलर हमें 5 दिन गेम सक्सेस मिलेगा, और उसमें से अगर हमें 2 से 3 दिन जोड़ी से सक्सेस मिलेगा, जोड़ी से गेम पास होगा, तो हम बहुत अच्छा बोलेंगे। बाय चांस एक दिन अगर मिस्टेक होगा और पाँचों दिन हमें गेम पास देखने को मिलेगा, और उसमें से 2 से 3 दिन हमें जोड़ी से गेम पास देखने को मिलेगा, तो हम उस वीक को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो चला गया उसको जाने दीजिए, आप लोग भी उदास मत होइए, नाराज़ मत होइए, क्योंकि इस वीक में हम बहुत मेहनत करेंगे, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा जोड़ी निकालूंगा, ठीक है। आज हम 4 तारीख के लिए जो मैं आप लोगों को लाइन दिखाने वाला हूँ, लाइन भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लाइन देखेंगे। तो देखिए, लाइन कहाँ से देखेंगे? लाइन यहाँ पर 2 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि 2 तारीख के गेम से ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे, और क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे, मतलब कि 3 लाइन देखेंगे, 3 लाइन देखेंगे, 3 लाइन के हिसाब से यहाँ पर 4 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पर यहाँ पर देखिए 790 का अंक। उसके बाद सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 60 का जोड़ी गेम। उसका थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 578 का अंक। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, और थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखेंगे, जो कि ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को साइड में लिख लेते हैं। ओपन पैनल पर क्या था देखिए, ओपन पैनल पर यहाँ पर देखिए 790 का अंक। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, पहला लाइन देख लेते हैं। देखिए, आप लोग तीनों लाइन को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, मतलब कि लाइन को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कौन सा स्ट्रॉन्ग में जाएगा, कौन सा नॉर्मल में जाएगा, जब आप लोग लाइन को अच्छे से देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो अभी देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। तो देखिए, 7 और 9 को जोड़ेंगे, 16 का अंक बनेगा, 16 से 6 को लिखेंगे, 1 रहने देंगे, 9 और 0 को जोड़ेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, 9 और 1 को जोड़ेंगे, 10 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 11 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए, 6 और 1 को जोड़ेंगे, 7 का अंक बनेगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे, 2 का अंक बनेगा। उसके बाद 7 और 2 को जोड़ेंगे, 9 का अंक बनेगा, 7 और 2 को फिर से माइनस करेंगे, फिर से 5 का अंक बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 9 और 5 का अंक बनाए। तो अभी हम लाइन को और एक बार चेक कर लेते हैं कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 790 का अंक।
तो हमने सबसे पहले 7 और 9 को जोड़ा 16 का अंक बना, 16 से 6 को लिखा, 1 रहने दिया, 9 और 1 को जोड़ा 10 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया 11 का अंक बना, क्योंकि 0 का वैल्यू 1। उसके बाद देखिए 6 और 1 को जोड़ा 7 का अंक बना, 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, उसके बाद 7 और 2 को जोड़ा 9 का अंक बना, 7 और 2 को फिर से माइनस किया, फिर से 5 का अंक बनाए। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 9 और 5 का अंक बनाए, ठीक है। तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 9 और 5 का अंक बनाए, फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 9 और 5 का अंक बनाए, ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गया है। अभी हम सेकंड लाइन देखेंगे, तो सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 60 का जोड़ी गेम, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, तो सबसे पहले हम 6 और 1 को जोड़ देंगे, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 का अंक बनेगा, उसके बाद 6 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 का अंक बनेगा। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से देखिए 7 और 5 का अंक बनाए। तो सेकंड लाइन जोड़ी गेम में क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 60 का जोड़ी गेम, तो 0 का वैल्यू 1, 0 का वैल्यू 1, तो सबसे पहले हमने 6 और 1 को जोड़ा 7 का अंक बना, 6 और 1 को फिर से माइनस किया, फिर से 5 का अंक बनाए। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 7 और 5 का अंक बनाए। तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से देखिए 7 और 5 का अंक बनाए। तो अभी देखिए फर्स्ट लाइन भी हो गया है, सेकंड लाइन भी हो गया है, अभी रह गया थर्ड लाइन। तो अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे, तो थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 5, 7, 8 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम 5 और 7 को जोड़ेंगे, 5 और 7 को जोड़ेंगे 12 का अंक बनेगा, 12 से 2 को लिखेंगे, 1 रहने देंगे, 7 और 8 को जोड़ेंगे 15 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था उसको लेंगे 16 का अंक बनेगा। उसके बाद 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 का अंक बनेगा, 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 का अंक बनेगा, उसके बाद 3 और 7 को जोड़ेंगे 10 का अंक बनेगा, उसके बाद देखिए फिर से 0 का वैल्यू 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 का अंक बनेगा, 1 और 1 को फिर से माइनस करेंगे, फिर से 0 का अंक बनेगा। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से देखिए 2 और 0 का अंक बनाए। तो अभी हम इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेते हैं कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 5, 7, 8 का अंक। तो सबसे पहले हमने 5 और 7 को जोड़ा 12 का अंक बना, 12 से 2 को लिखा, 1 रहने दिया, 7 और 8 को जोड़ा 15 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया 16 का अंक बना। उसके बाद 2 और 1 को जोड़ा 3 का अंक बना, 1 और 6 को जोड़ा 7 का अंक बना, उसके बाद 3 और 7 को जोड़ा 10 का अंक बना, उसके बाद देखिए 0 का वैल्यू 1, 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, 1 और 1 को फिर से माइनस किया, फिर से 0 का अंक बनाए। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 2 और 0 का अंक बनाए, ठीक है। तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, क्योंकि लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी 2 और 0 का अंक बनाए। तो अभी देखिए तीनों लाइन हो गया है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो देखिए कौन से लाइन से क्या क्या अंक निकला है वो देखिए। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 9 और 5 का अंक निकला है, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 7 और 5 का अंक निकला है, और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 2 और 0 का अंक निकला है। तो अभी देखिए जो अभी ये तीनों लाइन हुआ है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, ये तीनों लाइन अभी भी पहला लाइन हुआ है। मतलब कि अभी हम इनसे और एक करके लाइन करेंगे, उसके बाद जो अंक निकलेगा, उसके बाद जो अंक हमें देखने को मिलेगा वो होगा फाइनल गेम के लिए अंक, मतलब कि वो जाएगा फाइनल गेम में, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 9 और 5 का अंक देखने को मिला था, तो अभी हम 9 और 5 को फिर से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9 और 5 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 का अंक बनेगा, तो फर्स्ट लाइन में 4 का अंक। उसके बाद अभी देखिए सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए 7 और 5 का अंक बना था, तो अभी हम 7 और 5 को फिर से जोड़ देंगे, 7 और 5 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 12 का अंक बनेगा, 1 और 2 का अंक। अभी देखिए जो ये 1 और 2 का अंक बना है, 1 और 2 को हम अभी फिर से माइनस कर देंगे, 1 और 2 को फिर से माइनस करेंगे, फिर से 1 का अंक बनेगा, लेकिन हम 1 के अंक को नहीं देखेंगे क्योंकि हमने 1 और 2 को माइनस किया था, तो इसीलिए 1 के अंक को हम फिर से नहीं देखेंगे। माइनस करने के बाद 1 का अंक बनाए, लेकिन 1 के अंक को हम नहीं देखेंगे, 1 के फैमिली को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 1 का फैमिली 6 का अंक, क्योंकि 1 से ही हमने माइनस किया था, तो इसीलिए 1 के अंक को हम नहीं देखेंगे। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 6 का अंक, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से यहाँ पर देखिए 2 और 0 का अंक बना था। देखिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से बना है, इसको हम और कुछ भी नहीं करेंगे, इसको जोड़ेंगे भी नहीं, माइनस भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो थर्ड लाइन में 2 और 0 का अंक ही रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, तो देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 4 का अंक बनाए, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 6 का अंक बनाए, और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 2 और 0 का अंक बनाए। तो
देखिए लाइन पूरा हो गया है, तो अभी हम इसको कट करके क्लियर कर लेते हैं और गेम में देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओडिसी में कौन सा जाता है और नॉर्मल ओडिसी में कौन सा जाता है, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए ज़ीरो और टू कांग जाएगा, और नॉर्मल ओडिसी में यहाँ पर देखिए फोर और सिक्स कांग जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में ज़ीरो और टू कांग गया है और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए फोर और सिक्स कांग गया है। तो ओटीसी का हो गया, और अभी हम जोड़ी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में भी बोला था कि आज मैं आप लोगों को जोड़ी भी दिखाऊंगा, जोड़ी गेम के बारे में भी बात करेंगे, तो अभी हम जोड़ी के बारे में बात करेंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी जोड़ी निकाल के रखा है आप लोगों के लिए, तो अभी मैं आप लोगों को सीधा सीधा यहाँ पर जोड़ी दिखा दूँगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। देखिए जोड़ी में अलग से मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, तो जोड़ी में यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ऐसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जोड़ी में देखिए क्या क्या है, ये एक साथ में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रुकिए, ऐसे करने, हाँ अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। देखिए जोड़ी में यहाँ पर देखिए क्या क्या है, जोड़ी में यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो पहले ऊपर है ये स्ट्रॉन्ग जोड़ी है और ये नॉर्मल में कुछ है। ठीक है, ये नीचे वाला नॉर्मल, ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग। तो देखिए स्ट्रॉन्ग जोड़ी में क्या क्या है, 64 का जोड़ी है, 63, 62, 61, 02, 03, 01 और 04 का जोड़ी। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल जोड़ी में क्या क्या है, देखिए 96, 90, 39, 19 और 59 का जोड़ी नॉर्मल जोड़ी में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए स्ट्रॉन्ग में क्या क्या है जोड़ी में और नॉर्मल में क्या क्या है, आप लोग देख लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देखिए ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, आप लोग भी अपने हिसाब से थोड़ा सा देखिएगा, मिला के देखिएगा, मैच करके देखिएगा, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए गेम देखने को मिल गया जो कि यहाँ पर 4 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।